नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान MACS गर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें बेसिकली दो रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी एंड स्टेनोग्राफर की पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है 6th of May 2024, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। सो गाइस, वीडियो पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको रोज़ न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पर हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल PDF लिंक पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसकी वेबसाइट भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। यहाँ पर दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी एंड स्टेनोग्राफर्स के लिए, यहाँ पर दो पोस्ट निकाली गई हैं जिसकी लास्ट डेट 6th May 2024 रहने वाली है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट मीन DSC की ये पोस्ट रहेगी। नेक्स्ट आगे यहाँ दिया है इसका ऑफिशियल PDF, जो कि हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से कैचिंग कर सकते हैं। Applications are invited from Indian citizens for filling up two posts of private secretary on deputation basis and stenographer on direct recruitment in ARI Pune. So as यहाँ पर डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पे लेवल मैट्रिक्स बताए गए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज दो दो रहेंगी। यहाँ पर लास्ट डेट भी बता दी गई है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए डेप्यूटेशन की एंड स्टेनोग्राफर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सो गाइज, हम यहाँ पर देख लेते हैं। आगे दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट, स्केल ऑफ पेमेंट लेवल से 7 इन द पे मैट्रिक्स 44,900 से 1,42,400 रुपीज़। एंड यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए पे लेवल मैट्रिक्स 4 है, जिसमें 25,500 से लेकर 81,100 रुपीज़ तक की सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी पर मंथ। सो गाइज, यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्रेटरी है वो डेप्यूटेशन पर है, तो यहाँ ऑफिसर्स होल्डिंग द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑन यूनियन टेरिटरीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट 56 है एंड यहाँ पर सैलरी भी मैंने बता दी है आपको। यहाँ पर आगे दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। यहाँ पर दो वैकेंसीज हैं जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती रहने वाली है। पोस्ट कोड रहेगा Steno-2024। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। स्पीड यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग स्पीड। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट्स दिए जाएंगे। यहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए अप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें अप्लाई नाउ लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा या लॉग इन भी कर सकते हैं आप। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ वाले बटन पर, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के बाद, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डिटेल में फिल करना होगा, जिसमें इनकम्प्लीट फॉर्म है तो आप लॉगिन करके फिर से फिलअप कर सकते हैं। इसमें RN नंबर एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ ईमेल ID, मोबाइल नंबर, फुल नेम, फादर एंड मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर कैटेगरी, एज रिलैक्सेशंस, यहाँ पर आप सीकिंग फीस एक्सटेंशंस हैं तो, एंड पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन, सिटीजन ऑफ इंडिया, डोमिसाइल, करस्पोंडेंट एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस एंड वेरीफाई कर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एंड आपको यहाँ पर फॉर्म फिल कर लेना है। यहाँ आगे दिया गया है स्टेट वाइज। सो गाइस, यहाँ पर ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट वाइज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए सिमिलर अनरिजर्व कैटेगरी ही रहेगी, जिसमें कि सेम पे लेवल रहेगा। सो गाइस, इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई हैं, इफ़ यू आर एलिजिबल एंड प्लीज़ अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर